सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? जय श्री केदार, मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। तो आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेंपल टुंगनाथ महादेव, जो कि पंच केदार में से थर्ड केदार हैं, तृतीय केदार हैं, जहां पर भगवान शिव की भुजाएं, उनके आप दर्शन कर सकते हो। ये है वो मंदिर। और वैसे तो ये पूरा ही व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, लेकिन आप एक स्टार्टिंग में ही छोटी सी झलक देखिए। ये देखिए मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जितने भी क्लाउड है, बादल हैं, वो नीचे आ चुके हैं। और अभी मैं व्लॉग की शुरुआत भी ना मंदिर के पास से ही कर रहा हूँ। पूरा टेंपल जस्ट मेरे पीछे, और आपको तो पूरा व्लॉग मिलेगा जस्ट नीचे से टुंगनाथ महादेव तक। और चंद्रशिला का भी व्लॉग हम आपको दिखाएंगे, बट करते हैं स्टार्ट हर हर महादेव। सो एज यू कैन सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चोपटा है, यहाँ पर क्या क्या आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बर्ड्स यहाँ दिखती हैं वो भी यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो। और इस ट्रैक को आप बाय ट्रैक और घोड़े खच्चर के थ्रू भी कर सकते हो। क्या करें और क्या ना करें वो भी यहाँ पे सब मेंशन है, रीड कर लेना। और बाकी यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है, ये देखिए, टुंगनाथ चंद्रशिला तक पहुँचने का। यहाँ पर इसके बारे में आप रीड कर सकते हो, टुंगनाथ महादेव के बारे में। दोस्तों आज जो ट्रैक का वेदर है ना, वो एक नंबर है। अगर आप देखोगे ना पीछे तो बहुत ही अच्छा सा, मतलब क्लाउडी वेदर है। जो आप क्लाउड देखोगे ना, ये धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और बहुत ही एक अच्छा सा आपको क्लाइमेट दे रहा है यहाँ पर। और ट्रैक आप देख सकते हो, कोई बारिश वगैरह नहीं है, ओपन वेदर है। ओपन तो नहीं कह सकते, बारिश कभी भी हो सकती है। चलो जी, बहुत देर बाद एक छोटी सी पानी की धारा मिल चुकी है। तो अभी पहुंच चुके हैं भाई जस्ट टुंगनाथ मंदिर के पास ही, जो उसकी मार्केट है। और यहाँ भी केदारनाथ के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। केदारनाथ में तो कर ही दिया, यहाँ भी शुरू कर रहे हैं भाई। ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग यहाँ भी बन रही है। ये बोलो स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज ओनली। हाँ, या वेरी चीप प्राइस, या यू कैन अफोर्ड इट। चलो जी, फाइनली रीच्ड टुंगनाथ महादेव, थर्ड केदार ऑफ पंच केदार ऑफ उत्तराखंड, तृतीय केदार पंच केदारों में से। और ये है चंद्रशिला का ट्रैक, और ये है टुंगनाथ महादेव मंदिर। जय बाबा टुंगनाथ। अंदर तो वीडियो एंड फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलिए हम दर्शन करके आते हैं और फिर आपको और थोड़े से कुछ ब्यूटीफुल व्यूज दिखाते हैं। 5 minutes later. तो अभी अपने दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। लीजिए आप लोग भी एक और बार दर्शन कर लीजिए टुंगनाथ महादेव के, हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड।
तो अभी आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे और अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधे ही चंद्रशिला की ओर, बिकॉज इवनिंग भी हो रही है तो नीचे भी टाइमली आना है रिटर्न। तो चलते हैं, बाकी व्यू ज़रा मंदिर से देखो आप। ये है मंदिर और व्यू देखो आप, कितना सुंदर व्यू है। अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ टुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर और ज़्यादा हाइट पर चंद्रशिला पीक, जहाँ से आप हिमालयन रेंज का एक पैनोरमिक व्यू देख सकते हो। दोस्तों नो डाउट चंद्रशिला और टुंगनाथ उत्तराखंड के कुछ बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है, बट जब ये प्लेस बहुत गंदे लगते हैं, जब आप यहाँ पर अपनी जो भी पॉलीथिन्स है, वाटर बॉटल्स है, यहीं पर छोड़ देते हो, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतनी सुंदर जगहों पर आकर जब आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगता है तो इनको गंदा मत करिए प्लीज़। पॉलीथिन यहीं पर छोड़ी हुई है और कुछ भी आप पीते हो, खाते हो, सब यहीं छोड़ देते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। इतने सुंदर जगह के साथ ये सब अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल, ये सब यहाँ मत करें। शहरों में ये चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ मत करें। तो अभी वहाँ जाना है और अभी हमने ले लिया शॉर्टकट चंद्रशिला तक जाने के लिए, कुछ ऐसा है देखो, शॉर्टकट वहाँ पीछे से स्टार्ट होता है और सीधे ऊपर चंद्रशिला तक जाता है, ऐसे चलना पड़ेगा। और ये देखो दोस्तों, वहाँ से स्टार्ट होता है पूरा ट्रैक टुंगनाथ से लेकर चंद्रशिला तक, वही है एक तरह से यहाँ का आप बेस कैंप बोल सकते हो, और वहाँ से आपको इतना ऊपर आना होता है और वहाँ जाना है। मंजिल कठिन है लेकिन जाना भी ज़रूर है। दोस्तों आप यहाँ देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन वहाँ पर खड़ा है। देखो मैं दिखाता हूँ ज़ूम करके, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, बट ये सब नेचुरल है, बनते रहते हैं, फॉर्मेशन है नेचर की। यहाँ का ट्रैक कुछ इस तरह से है, देखो पथरीला, पत्थर ही पत्थर, और हम यहाँ पर बर्फ के टाइम भी आए हैं, फुल ऑफ स्नो। चलो जी, ऑलमोस्ट रीच्ड चंद्रशिला पीक। तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक पर, जस्ट ये रही पीक जहां पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी, और हमारे साथ कुछ भाई लोग भी आए हैं जो काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग करते हैं भाई। ये तुम्हारे ग्रुप मेंबर है सत्यरंजन जी, वेरी गुड ट्रैकर, और ये हैं सुनील फ्रॉम जयपुर, हरीश इधर है, हरीश फ्रॉम जयपुर, और ये हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, चलो भाई महाराष्ट्र वाले देख रहे हो तो इनके लिए भी लाइक करिए। और ये देखो चंद्रशिला पीक, और यहाँ से ज़रा आप व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है। इधर तो आपको ग्लेशियर रेंज नज़र तो आएगी लेकिन बहुत दूर है, बाकी इधर आपको ग्लेशियर रेंज क्लियरली विजिबल है। ये देखो इधर भी है और उधर और ज़्यादा विजिबल है। दर्शन करते हैं फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं और ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे आपको, जो एक पैनोरमिक व्यू है यहाँ का जो फेमस है चंद्रशिला, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्टली दर्शन करते हैं, चलो अभी दर्शन हो चुके हैं, अभी मंदिर के पीछे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ यहाँ के शानदार नज़ारे। वाओ 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 वाओ, कितना सुंदर है यहाँ। आपको कहीं भी धूप की कोई किरण नज़र नहीं आएगी लेकिन वहाँ नज़र आ रही है दूर, तो इसका मतलब आज क्लाइमेट में सनलाइट कहीं तो है बट नज़र नहीं आ रही है।
सो अभी चंद्रशिला पीक के जस्ट बैक साइड में आए हैं और यहाँ पर आप मेडिटेशन को फील करिए, ओम चैंटिंग हो रही है जस्ट यहाँ पर, देखिए। तो अभी आपने देखे होंगे चंद्रशिला की ड्रोन शॉट, जो कि सच में शानदार है, कमाल है, मज़ा आ गया। और अभी यहाँ पे बहुत ठंडी है भाई, बहुत ज़्यादा। हमारे सत्यरंजन जी को तो बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि अपनी जो हुडी थी ना वो नीचे भूल कर आ गए टुंगनाथ में। अभी यहाँ पर ठंडी भी बढ़ गई है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पर। वेदर लेकिन अच्छा है, बारिश बिल्कुल नहीं मिली है। पीछे विंटर लाइन भी आपको नजर आ गई। अब हमने तो इन नज़ारों का लुत्फ उठा लिया। अगर आप भी हमारे साथ इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए एक ग्रुप ट्रिप प्लान की है, जिसमें हम कवर करेंगे टुंगनाथ, चंद्रशिला, ओमकारेश्वर टेम्पल, जहां पर आप पांचों केदार के एक साथ दर्शन कर सकते हो, एंड लास्ट ऋषिकेश, जिसमें हम कवर करेंगे ऋषिकेश के कुछ फेमस प्लेसेस एंड राफ्टिंग भी करेंगे। ये पूरा प्लान रहेगा 3 नाइट 4 डेज का, फ्रॉम हरिद्वार टू हरिद्वार। बट क्वेश्चन आता है कि जाना कब है, तो हमारे कुछ फिक्स डिपार्चर्स हैं जो कि विंटर्स में जाएंगे। हमारी फर्स्ट ग्रुप ट्रिप सबसे स्पेशल डे न्यू ईयर 31 दिसंबर को जाने वाली है। इसी तरह से कुछ और फिक्स डिपार्चर्स भी हैं, इन डेट्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब बात आती है बजट की, तो हमारा ऑफिशियल नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप डायरेक्टली हमको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हम आपको अपने प्लान की आइटनरी सेंड कर देंगे, या फिर आप इंस्टा पर DM भी कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, विंटर्स में टुंगनाथ एंड चंद्रशिला कैसा नजर आता है, तो आपको ऊपर आई बटन और इस वीडियो के एंड में इन दोनों ही प्लेसेस के सेपरेट ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जिनको आप वॉच कर सकते हो। और हाँ, याद रहे ये एक बजट टूर प्लान है, तो आज से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो और इस ग्रुप ट्रिप में ज्वाइन हो सकते हो। सो ज्वाइन अस। सो दोस्तों, आपने देखा होगा चंद्रशिला का ये ब्यूटीफुल सा व्लॉग, ओपन वेदर के साथ, शानदार व्यूज़ के साथ। तो अभी हमको जाना है डायरेक्टली यहाँ से नीचे, पहले तो ट्रैक करना है, फिर उसके बाद जहाँ आज हमारा स्टे है बनिया कुंड, वहाँ जाना है। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना, और लोग भी यहाँ आए दर्शन करें इस ब्यूटीफुल सी नेचरिस्टिक प्लेस के, जहाँ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। वाओ, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें ना। बाकी आज के इस व्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव। जय श्री केदार।